नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज जो टॉपिक चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इस वीडियो को आप पूरा देखें और जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एग्रीमेंट हम समझेंगे सिंटैक्स क्या होता है और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जिसे हम एग्रीमेंट को कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं ये क्या होता है उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम सेंटेंस हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, पहला पॉइंट जो हम समझेंगे हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस। हम एक सेंटेंस जो है एक वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, हाउ टू क्रिएट ए सेंटेंस, we will be able to understand how to put words together to get a meaningful sentence. We will understand the order of the words to get a meaningful sentence, and we will understand that what is syntax and what is subject and what is verb and what is agreement and what is concord. First of all, I will be able to tell you that there are two parts. First of all, thing I have written here. How to form a sentence, and we will understand what will be the order of words. Second point, we will be understanding what will be the order of the words, orders to get a meaningful sentences. I am here to make you sure that दोस्तों syntax का मतलब होता है वाक्य विचार, subject मतलब कर्ता, verb मतलब क्रिया और agreement मतलब मेल होता है। कर्ता और क्रिया के मेल, subject और verb का मेल को ही हम क्या बोलते हैं, जैसा subject के अनुसार अगर verb आ रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक जैसा है, जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब है, दोनों के मेल को ही हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। यहां पर हमने सिंटैक्स लिया दोस्तों, तो सिंटैक्स में हम ये समझेंगे सिंटैक्स में हाउ टू फॉर्म ए सेंटेंस, वाक्य कैसे बनाना है, वाक्य कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं सिंटैक्स में। और व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स टू गेट अ मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब वर्ड्स का क्या ऑर्डर होगा किसी भी मीनिंगफुल सेंटेंस को प्राप्त करने के लिए, जो है वर्ड्स का क्या ऑर्डर, किस ऑर्डर में हम वर्ड्स को रखेंगे जिसके कारण हम एक सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे और एक सेंटेंस प्राप्त कर पाएंगे। पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे क्रिएट करेंगे और सेंटेंस में हम ऑर्डर, वर्ड्स का ऑर्डर क्या होगा उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, विस्तृत चर्चा करेंगे। और हम समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होते हैं, एग्रीमेंट कितने तरह के होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सिंटैक्स, सिंटैक्स के जो होते हैं वो कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप ये चीज समझ चुके होंगे सिंटैक्स के जो होते हैं कितने पार्ट होते हैं, अगर हम सिंटैक्स को समझने का प्रयास करें तो ये भी ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके दो पार्ट्स हैं दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, सिंटैक्स के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं दोस्तों। पहला है सिंटैक्स में क्या है कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ड्स, क्या शब्दों का एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, शब्दों का मेल है या नहीं है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे पहला सिंटेक्स में। दूसरा है वो ऑर्डर की बात करेंगे, पहला पॉइंट है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स और दूसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। ये दो पॉइंट है सिंटेक्स के अंतर्गत हम जानेंगे। पहला पॉइंट है कि वर्ड्स का एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंटेक्स यह बताता है कि वर्ड्स का एग्रीमेंट हो। और दूसरा जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी भी सेंटेंस में हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का आधार जो होता है SVO होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स में क्या आएगा कि अगर यहां पर सब्जेक्ट आप देख लीजिए, सब्जेक्ट अगर यहां पर मैंने बोला ही इट्स एन एप्पल,
यहां पर ये सेंटेंस हमने लिखा, इस सेंटेंस को आप गौर से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर हमने कहा सिंटेक्स में क्या चीजों को जानना जरूरी है। सिंटेक्स का मतलब वाक्य विचार, और हमने एक सेंटेंस यहां पर क्रिएट कर दिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस पैटर्न पर हमने, क्योंकि ही यहां पर जो करता है इसमें आम खान एप्पल खाने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, और यहां पर जो है इट्स जो है वर्ब है, और जिसका फल किस पर पड़ रहा है वो एप्पल पर पड़ रहा है, जो खाने का जो काम है उसका काम का फल कहां पड़ रहा है, एप्पल पर। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट आपका, हो गया ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये आपका वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये पैटर्न हो गया, लेकिन एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है, किसको बोलते हैं, जो शब्दों का ये सारे के सारे जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसके एग्रीमेंट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे कि सिंगुलर है, और यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, मतलब ये सब्जेक्ट है क्या है, ये सिंगुलर है देख रहे होंगे, प्लस ये वर्ब भी आपको जो इट्स है वो क्या है, सिंगुलर आपको लग रहा होगा दोस्तों, और दूसरा ऑब्जेक्ट है ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से इसको जो कहते हैं सिंटैक्स में हम एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स, मतलब ही का एग्रीमेंट किससे है, इट्स से है, और इट्स का एग्रीमेंट किससे है, ही से है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, और ये भी आपका सिंगुलर नंबर है और ये भी सिंगुलर नंबर, मतलब ये मतलब कहने का मतलब इस सब्जेक्ट का एग्रीमेंट मेल इट्स से खा रहा है, देखना है मेल खा रहा है कि यहां पर इट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मेल नहीं खा रहा है। तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों का मेल, दो व्यक्तियों का मेल या शब्दों का मेल होता है, उसी प्रकार से कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मेल उस सेंटेंस में खा रहा है या नहीं खा रहा है। देखिए ही के बाद इट्स क्यों डाले, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रहे हैं और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हो गया आपका एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर हम एप्पल्स डालेंगे तो उतना बेहतर नहीं होगा, एग्रीमेंट यही कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स में अगर आप देखने का प्रयास करते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्रॉपर ऑर्डर भी देखना जरूरी है। हम कभी भी ऑब्जेक्ट शुरू में नहीं डाल सकते, यहाँ पर कह रहा है सिंटैक्स में कि ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स शुड बी पॉइंटेड आउट। तो यहाँ पर पॉइंट आउट एक बात कर सकते हैं कि इंग्लिश का जितना भी सेंटेंसेज होते हैं पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो शुरू में देखिए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यहाँ पर ही जो है सब्जेक्ट के रूप में आया और दूसरा वर्ब आया और तीसरा ऑब्जेक्ट आया। तो ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या है, जिसका पास्ट टेंस फॉर्म बन सके उसे ही वर्ब कहते हैं। याद रखिएगा, जिसका पास्ट टेंस फॉर्म रूप होता है वही वर्ब कहलाता है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा ये बातें दोस्तों। कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करें, अपने दिमाग में इस बात को ठूस डालिए कि ऑर्डर सिंटैक्स में एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब ये शब्दों का जो ऑर्डर है कैसा है उसको भी हमको देखना पड़ता है और उसको भी हमें देखने की जरूरत है। आगे चलेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में और इस वीडियो को आगे हम प्रोसीड करते हैं, उसको समझने की बात करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं दोस्तों। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इस सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, समझना जरूरी है। एक होता है सब्जेक्ट होता है और एक होता है आपका प्रेडिकेट। माय डियर फ्रेंड्स, गौर से देखिए इस वीडियो को, इस मतलब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, दो पार्टों में सेंटेंस होते हैं, एक पार्ट होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। जैसे हम बोले ही प्लेस, यहां पर प्लेस प्रेडिकेट हो गया और ही सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही is here, he is reading a book। ये सारा का सारा आप देख रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर के बाकी जितने भी शब्द होंगे वो प्रेडिकेट होंगे। देखिए, सब्जेक्ट में एक शब्द हो सकता है या एक से अधिक शब्द, सेंटेंस में सब्जेक्ट में के रूप में एक शब्द का ही सब्जेक्ट हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का भी सब्जेक्ट हो सकता है, और प्रेडिकेट भी होगा, एक वर्ब होगा, और वर्ब के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स, मतलब एक से अधिक वर्ड भी प्रेडिकेट में हो सकते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस के दो पार्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के रूप में आप यहां पर मैंने ही का इस्तेमाल किया, आप सी
किसी का नाम यूज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट में एक वर्ड हो सकता है, एक से अधिक वर्ड हो सकता है, और वर्ब जो है वर्ब और प्लस और भी कई सारे वर्ड्स जो आते हैं, वर्ब और बाकी वाले जितने भी वर्ब और ऑब्जेक्ट और जितने भी वर्ड्स आ जाएंगे सारे के सारे आपके प्रेडिकेट में आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस वर्ब का पास्ट टेंस फॉर्म होता है, जिस वर्ड का पास्ट टेंस फॉर्म आता है वही वर्ब कहलाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे आप, और आप कमेंट करना भूल जाते हैं, यू फॉरगेट टू कमेंट, ओके, सो यू शुड कमेंट ऑन दिस। आई नो दैट यू नो दैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड। मन ना थकने वाली पक्षी है चिड़िया है, इसको जितना ही अधिक देते हैं उतना ही अधिक और चाहता है, चाहते की चाहत की इच्छा रखता है। अब हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं ये समझेंगे। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट अगर हो जाए तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट है का वर्ब एग्रीमेंट। जैसे अगर हम बोले ही रीड्स अ लेटर, इसको आप गौर से देखिए दोस्तों, ही रीड्स अ लेटर, तो यहां पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। तो यहां सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब ही सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या हो रहा है, मेल खा रहा है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब सब्जेक्ट का वर्ब के साथ मेल हो और वर्ब का किसके साथ मेल हो, सब्जेक्ट का, और इस सब्जेक्ट का मेल क्या है ऑब्जेक्ट के साथ हो, और इस ऑब्जेक्ट का मेल किसके साथ हो, वर्ब के साथ भी हो, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर ऑब्जेक्ट तीनों का मेल हो, सब्जेक्ट वर्ब का, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का मेल हो, जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब के मेल को ही हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो हम आप बात करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कितने टाइप्स हैं, और यहां पर लिखेंगे दोस्तों, गौर से देखिएगा इस वीडियो को, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, जिसे हम एग्रीमेंट को कॉन्कॉर्ड भी बोलते हैं दोस्तों। एग्रीमेंट का मतलब होता है मेल और कॉन्कॉर्ड का मतलब भी होता है मेल। तो वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा, वो दिया रह जाएगा। आप कमेंट भी नहीं करते हैं दोस्तों, यू शुड कमेंट ऑन माय वीडियो। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितने तरह के हैं, तो ये आपके दो तरह के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एक एग्रीमेंट होता है जिसे बोलते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्मल एग्रीमेंट बोलते हैं। तो पहला एग्रीमेंट का प्रकार है वो है आपका फॉर्मल एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट। एक होता है नोशनल एग्रीमेंट, नोशनल एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट जो होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट होते हैं, और वो दो तरह के एग्रीमेंट होते हैं, दो तरह के मेल होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब का। जैसा देश वैसा भेस, नई मारुति में पुरानी टायर नहीं चलेगी, जानते हैं, जैसा देश वैसा भेस, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा, जैसा सब्जेक्ट देखो वैसा ही वर्ब ठोको, जैसा वर्ब देखो वैसा ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल करो। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या लगाएंगे हम, वर्ब का इस्तेमाल करें। वर्ब क्या होता है, तो वर्ब जो होता है वह शब्द होता है जिसका पास्ट टेंस होता है, जिसका भूतकाल रूप होता है, वो वर्ब कहलाता है। हियर आई हैव टोल्ड दैट माय डियर फ्रेंड्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, फॉर्मल एग्रीमेंट और नोशनल एग्रीमेंट। बारी बारी से समझेंगे कि ये फॉर्मल एग्रीमेंट क्या है और नोशनल एग्रीमेंट क्या है, इसको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें कि अगर फॉर्म के आधार पर, अगर फॉर्म के आधार पर, नंबर के आधार पर अगर एग्रीमेंट हो तो उसे बोलते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट। यहां पर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आप गौर से देखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इसे गौर से नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से नहीं आएगा। हम बोलेंगे कि टू बॉयज वेयर इन द रूम, यहां पर एक सेंटेंस अगर लिखते हैं हम, इसको हम पहले फॉर्मल को समझ लेते हैं। यहां पर लिखते हैं टू बॉयज वेयर इन द रूम, इस सेंटेंस को गौर से देखिए, लुक एट दिस सेंटेंस केयरफुली गाइस, और अगर देखिए इस सेंटेंस को तो आपको दिख रहा होगा ये जो बॉयज है, ये बॉयज शब्द जो है ये सब्जेक्ट को क्या है आपका प्लूरल है। कहने का मतलब है कि इसका जो फॉर्म है, द
देखने में कैसा लग रहा है, इसका रूप क्या लग रहा है, प्लूरल है, ठीक है। और यहां पर इसका फॉर्म भी प्लूरल है और इसका मीनिंग, अगर बॉयज वर्ड का मीनिंग अगर देखें, मीनिंग, तो मीनिंग के आधार पर भी ये क्या है, प्लूरल है दोस्तों। तो ऐसा शब्द, सब्जेक्ट में ऐसा शब्द जो उसके फॉर्म के आधार पर भी क्या दिखे, प्लूरल दिखे, और मीनिंग के आधार पर भी क्या है, यहां पर ये सब्जेक्ट वॉइस देख रहे हैं, तो ये आपको फॉर्म के आधार पर भी आपको प्लूरल लग रहा है और मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल लग रहा है। अगर यहां पर हम वर्ब की बात करें वेयर की, तो वेयर देखिएगा तो ये फॉर्म के आधार पर भी क्या है, प्लूरल है, गौर से देखिएगा दोस्तों, फॉर्म के आधार पर भी और प्लस ये मीनिंग के आधार पर भी, मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल है। मतलब ये सब्जेक्ट वाइज है जो फॉर्म के आधार पर भी क्या है, प्लूरल है, और मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल है। ये भर भी क्या है, मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल है और फॉर्म के आधार पर भी प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट और भर मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल हो और फॉर्म के आधार पर भी प्लूरल हो, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों, आई मीन टू टेल दैट ये वर्ब वेयर, वेयर और वॉइस, वॉइस जो है आपको फॉर्म के आधार पर, रूप के आधार पर भी आपको प्लूरल लग रहा है और अर्थ के आधार पर भी आपको क्या लग रहा है, प्लूरल लग रहा है। और ये वर्ब वर्ड जो है वेयर है, वेयर, ये भी क्या है कि आपको मीनिंग के, अर्थ के आधार पर भी प्लूरल लग रहा है और फॉर्म के आधार पर भी प्लूरल लग रहा है। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट के एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट, जो पर्सन के अनुसार भी, नंबर के अनुसार भी, जेंडर के अनुसार भी, और फॉर्म के आधार पर भी, मीनिंग के आधार पर भी, जो जो वर्ब और सब्जेक्ट जो है क्या हो, मेल खाता हो, दोनों का मेल खाता हो, मेल हो, उसको फॉर्मल एग्रीमेंट कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि सेंटेंस में टू बॉयज वेयर इन द रूम, इस सेंटेंस में आप गौर से देखिए कि बॉयज जो है वो रूप के आधार पर भी आपको दिख रहा है कि ये प्लूरल है, और मीनिंग भी, सेंस भी दे रहा है, ये प्लूरल सेंस भी दे रहा है, और प्लस इसका रूप भी प्लूरल है। ये देख रहे हैं वेयर वेयर वर्ड जो है, ये वेयर जो है, ये क्या है, मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल है और फॉर्म के भी आधार पर भी प्लूरल है। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने दिमाग में इस बात को ठूस डालिए, फॉर्मल एग्रीमेंट किसको कहते हैं, तो ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट जो फॉर्म के आधार पर भी प्लूरल हो या सिंगुलर हो, या मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल या सिंगुलर हो, ठीक उसी तरीके से भर भी क्या हो, मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल हो और फॉर्म के आधार पर भी प्लूरल हो, या फॉर्म के आधार पर भी सिंगुलर हो और प्लस मीनिंग के आधार पर भी हो, तो वैसे एग्रीमेंट को, उस प्रकार के एग्रीमेंट को हम फॉर्मल एग्रीमेंट कहते हैं। इधर अब हम नोशनल एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार समझते हैं कि यहाँ वॉइस जो शब्द देख रहे हैं, जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, वॉइस का प्लूरल क्या होता है, वॉइस होता है। तो फॉर्म के आधार पर ये प्लूरल है, प्लस वॉइस का मतलब क्या होता है, लड़के, वॉइस का क्या मतलब होता है, लड़के। अब यहां पर फॉर्म के आधार पर भी प्लूरल है, और वेयर, वॉज का प्लूरल क्या होता है दोस्तों, वेयर होता है, वेयर होता है, और वेयर का मतलब होता है ये, क्योंकि ये फॉर्म के आधार पर भी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ये, और प्लस ये मीनिंग भी दे रहा है, प्लूरल मीनिंग दे रहा है। तो किसी भी सेंटेंस में याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट किसी भी, किसी भी सेंटेंस में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अगर फॉर्म के आधार पर भी वो प्लूरल हो, फॉर्म मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल हो, जो सब्जेक्ट और वर्ब भी मीनिंग के आधार पर भी प्लूरल हो, और मीनिंग के आधार पर ही मीनिंग के आधार पर प्लूरल हो और फॉर्म के आधार पर प्लूरल हो, और दोनों का एग्रीमेंट हो रहा है, तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फॉर्मल एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं नोशनल एग्रीमेंट क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नोशनल, नोशनल एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड इसको बोलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहां पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, गौर से देखिएगा, नन वेयर लेफ्ट, ये एग्जाम्पल जो है वो नोशनल एग्रीमेंट का उदाहरण है दोस्तों। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ
नोशनल एग्रीमेंट आई माइट बी एबल टू मेक यू श्योर दैट यू आर रीडिंग अंडर प्रकाश सर ऑथर प्रकाश सर यू आर यू वॉचिंग अकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स दिस इज अ वेरी मार्वेलस माइंड ब्लोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी माशाल्लाह वीडियो यू शुड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स नन हियर लेफ्ट यहाँ पर नन जो है ये नन शब्द देखिएगा दोस्तों तो इसका फॉर्म से ये लग रहा है ये रूप से लग रहा है ये सिंगुलर है लेकिन अगर सेंस देने की बात करेंगे तो ये प्लूरल सेंस दे रहा है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों और ये जो है आपका देख सकते हैं ये जो है प्लूरल है फॉर्म से भी प्लूरल है ये और आपका सेंस से भी क्या है प्लूरल है। अब देखिए यहां पर देख लीजिए कि यहां पर फॉर्म जो है प्लूरल है और सेंस भी ये प्लूरल दे रहा है लेकिन ये जो सब्जेक्ट है नन ये नन इसका फॉर्म जो है क्या है सिंगुलर है और ये सेंस क्या दे रहा है प्लूरल जब कोई सब्जेक्ट का रूप फॉर्म सिंगुलर हो और सेंस दे रहा हो प्लूरल और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग सेंस देने के वजह से यहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि उसके फॉर्म के वजह से याद रखिएगा सेंस बहुत महत्वपूर्ण है मतलब सेंस कुछ और है और इसका फॉर्म कुछ और है और यहां पर देख रहे हैं भर्व का सेंस भी वही है और फॉर्म भी वही है तो इस प्रकार के एग्रीमेंट को बोलते हैं नोशनल एग्रीमेंट अगर देखा जाए रूप देखा जाए देखने में ये सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये जो अर्थ दे रहा है वो प्लूरल अर्थ का है इसलिए यहां पर वेयर का इस्तेमाल किया गया है इस प्रकार के एग्रीमेंट को बोलते हैं नोशनल एग्रीमेंट कुछ और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स इस प्रकार के रहते हैं और पूछे भी जाते हैं जैसे बोलते हैं द न्यूज इज गुड समाचार अच्छा है द न्यूज इज गुड का मतलब होता है समाचार अच्छा है न्यूज इज गुड तो ये न्यूज वर्ड जो देख रहे हैं ये न्यूज जो देख रहे हैं ये देखने में लग रहा है प्लूरल ये फॉर्म जो है इसका प्लूरल है दोस्तों अपने दिमाग में ठोस डालिए ये न्यूज वर्ड जो देख रहे हैं इसका फॉर्म क्या है प्लूरल है लेकिन ये सेंस दे रहा है सिंगुलर इसीलिए यहां पर वर्ब जो यूज किया गया है इज क्या है सिंगुलर है याद रखिएगा दोस्तों इस प्रकार के एग्रीमेंट को देखिए आप देखने में लग रहा है प्लूरल आप न्यूज देखेंगे तो तुरंत यहां पर आर लगा देंगे बल्कि नहीं आर नहीं लगेगा यहां पर क्योंकि इज ही लगेगा क्योंकि देखने में तो लग रहा है ये प्लूरल नोशनल एग्रीमेंट इसी प्रकार के एग्रीमेंट को कहते हैं देखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन सेंस दे रहा है सिंगुलर और उसके साथ जो वर्ब लगा है सिंगुलर मतलब सेंस के आधार पर यहां पर वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा सब्जेक्ट का सेंस होगा उसी ढंग के वर्ब का यूज होगा मतलब अगर सब्जेक्ट जो है वो सेंस दे सिंगुलर और दिखने में फॉर्म रहे प्लूरल और सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो इस प्रकार के एग्रीमेंट सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को हम नोशनल एग्रीमेंट कहते हैं दोस्तों हमको लगता है आपको ये चीज समझ में आ गया दोस्तों ये चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें एक बात और अपने दिमाग में ठूस डालिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर घुसा है तो उस बात को अपने दिमाग से निकालिए क्योंकि आप लोग जो है कॉमेडी करने वाले टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं आपको बेहतर एजुकेशन देना चाह रहे हैं उसे आप पसंद नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे बोलते हैं हम आईपी ये सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ऑफ सिंगुलर वर्ब याद रखिएगा दिमाग में ठूस डालिए इस बात को दोस्तों ये सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ऑफ सिंगुलर वर्ब मतलब जब सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमेशा जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा मतलब ये बोर्ड सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला वर्ब जो सिंगुलर होगा ये आप टेलीविजन नहीं दिख रहा होगा टीवी वो सिंगुलर है मोबाइल सिंगुलर है
आप प्रकाश सर सिंगुलर है, मार्कर सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, भर सिंगुलर ही लगाएंगे। जैसे मैं बोलूंगा मार्कर जाता है तो ए मार्कर गोज, मैं प्रकाश सर जाते हैं प्रकाश सर गोज, गोज क्यों लगा रहा है, गोज सिंगुलर है, प्रकाश सर भी सिंगुलर है, इसलिए वहां पर गोज लगा रहे हैं। अगर मैं कहूं कि विंडो इज गुड, ए विंडो इज गुड, खिड़की अच्छी है, ए बोर्ड इज गुड, ए मार्कर इज गुड, ए मार्कर इज गुड क्यों लगा, इज क्यों लगा रहा है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। हम हमेशा बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, ये जो हेल्थ है ये क्या, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां पर ये जो इज का इस्तेमाल किया गया ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए मैंने लिखा ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर, इज भी क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है V5, हम V5 को क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंगुलर बोलते हैं, और V1 को क्या बोलते हैं, हम प्लूरल बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं, जब हम किसी नाउन का जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कभी हंस भी लिया करो दोस्तों, है ना, यहां पर मैंने कहा जब हम नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉय हो गया तो बॉय का क्या हो गया, बॉयज हो गया, जैसे कहते गर्ल का क्या हो गया, तो गर्ल का बनाते हैं गर्ल्स। लेकिन दूसरे तरफ देखिएगा जब हम वर्ब का प्लूरल बनाते हैं, मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब का क्या होता है, वर्ब का गौर से देखिएगा, वर्ब का जब बनाते हैं तो प्लूरल से सिंगुलर बनता है, प्लूरल से क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, बहुत ही अलग व्यवस्था है दोस्तों। यहां पर वर्ब जो है प्लूरल से सिंगुलर बनता है, तो वर्ब क्या रहता है, अगर हम यहां पर प्लूरल लिखे गो, यहां पर अगर हम गो लिख दिए तो गो का प्लूरल क्या, सिंगुलर क्या हो गया, एस एस लगा करके इसको सिंगुलर बना दिए। रीड यहां पर लिखे तो ये प्लूरल है, ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब जो है प्लूरल अवस्था में रहता है, लेकिन नाउन जो है सिंगुलर अवस्था में रहता है, इसका अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, रीड्स हो जाएगा, एस लगा देंगे तो इसका सिंगुलर बन जाएगा, एस या एस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। इस ब्रह्मांड का कोई वर्ब जो होता है वो अपने दिमाग में ठूस डालिए कि वो प्लूरल होता है, मतलब V1 होता है, उसका बेस फॉर्म V1 होता है। जैसे यहां पर हम अगर राइट लिखते हैं तो राइट का प्लूरल क्या होगा, यहाँ राइट का सिंगुलर क्या होगा, राइट्स होगा, एस सी एस जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर सिंगुलर बना रहे हैं, लेकिन नाउन में क्या कर रहे हैं, वाई का प्लूरल सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब में हम प्लूरल से सिंगुलर बना रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्तों। एक और इंपोर्टेंट जो है नियम है जिसको हम रख लेते हैं, यहाँ पर आईपी है जिसको बोलेंगे, आईपी ही बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ए प्लूरल वर्ब, ए प्लूरल वर्ब टेक्स ए प्लूरल सब्जेक्ट, या यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ए प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब, बात बराबर है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, या वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, क्योंकि यहां इज आया है इसलिए यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर आया है। जैसे हम बोल देंगे दे प्ले, तो यहां पर दे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑफकोर्स प्लूरल है, इसीलिए प्ले प्लूरल आया है, मतलब इसी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहां प्लूरल आया, एक से अधिक को बताने वाला सब्जेक्ट आया, तो एक से अधिक को बताने वाला वर्ब आना चाहिए। खेलना का मतलब है प्ले का मतलब, एक लोग खेलता है तब आप प्ले नहीं लगाए, एक से अधिक लोग खेलता है तब आप प्ले लगाए, यहां वे लोग खेलते हैं, दे प्ले का मतलब वे लोग क्या है, एक से अधिक है इसलिए प्ले लगा, अगर एक आदमी खेलता तो यहां पर हम प्लेज लगाते, ये जो है सिंगुलर बन जाता है इसमें सी एस लगा करके। मेरे प्यारे दोस्तों अगर कभी भी अगर शुरू में या अंत में सिंगुलर अगर कोई वर्ड है तो पूरे सेंटेंस में अगर यहां पर हम सिंगुलर वर्ड लिख दिए तो इस पूरे आगे जितने भी वर्ड्स लिखेंगे
सारा का सारा सिंगुलर वर्ड होगा, या अंत में अगर कोई सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है तो शुरू में ही सारा का सारा शब्द क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब सिंगुलर ऑब्जेक्ट एंड व्हाटएवर कम्स इन दैट सेंटेंस ऑल विल बी सिंगुलर, देयरफॉर सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड वी कैन बी एबल टू से दैट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। तो ये पहला वीडियो है दोस्तों, कैसा लगा इस वीडियो पर जरूर कमेंट करेंगे आप, हम बहुत ज्यादा विश्वास और आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं फिर से प्रयास करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। Good morning friends, this is Author Prakash and you are watching Academy of Science and Arts by Author Prakash sir. Today I am going to explain the most important concept which will come into your exam, that is subject verb agreement, that is subject verb concord. I am going to make you understand, make you clear that what do you understand by subject verb agreement, and I have given a video of the introduction of subject verb agreement, subject verb concord. Today I am going to start another topic related to subject verb concord, subject verb agreement. My dear friends, you are most welcome to my English video and this YouTube channel. Here I have written subject verb agreement. Subject or verb ke mel ko subject verb agreement kehte hain. Subject or verb ke mel ko. जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब, और उसका एग्रीमेंट हो रहा है तो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहला रहा है दोस्तों। जब शादियां होती है तो देखते हैं लव मैरिज होता है तो क्या होता है, दो व्यक्तियों के, दो एक लड़की एक लड़का के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है, कहने का मतलब दोनों का मेल खाता है, तब जाकर को मैरिज होता है। ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट और वर्ब की जो शादी को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, है ना, सब्जेक्ट वेड्स वर्ब उसी को एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखा है, ए एग्जाम्पल ए में और बी में आप देख रहे हैं, इसमें इसके तहत इट इंक्लूड्स टू एग्जाम्पल्स एंड इन बी यू सी दैट यू वाज दैट देयर थ्री एग्जाम्पल्स। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है लुक एट दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को गौर से देखिए, जो नीचे बात लिखा गया है उनको गौर से देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉम एंड मैरी दो नाउन है जो किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि जब दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ हो तो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, क्योंकि प्लूरल मीन्स प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन। तो यहाँ टॉम एंड मैरी है वो क्या कर रहा है, एक से अधिक का बोध करा रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू रांची, तो हरी और अब्दुल जो एंड जो है कैरेक्टर है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना दो वर्डों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ब्स को एड करने का काम कंजंक्शन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉम एंड मैरी ये जो एंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, हरी एंड अब्दुल ये भी एंड से जुड़ा हुआ है और किस दो नामों का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों इस वाक्यों से ये पता चल रहा है कि जब दो नाउन जो है वो एंड से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या बनाता है, प्लूरल बनाता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, प्लूरल हो गया। तो जैसा कि सेंटेंस एक वन में देख रहे हैं कि टॉम एंड मैरी के साथ आर यूज हुआ है और हरी एंड अब्दुल के साथ क्या हुआ है, हैव यूज हुआ है। तो रूल नंबर एक हो जाएगा दोस्तों कि अगर दो नाउन जो है एंड से जुड़ा हुआ हो और वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ हो तो उसके आने वाला वर्ब जो है हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम इधर चलते हैं दोस्तों, आप थोड़ा सा इधर भी देख लें, यहाँ पर आप साफ साफ लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लुक एट दिस सेंटेंस, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों को गौर से देखिए। तो ये तीन सेंटेंसेस, थ्री सेंटेंसेस आई हैव रिटन हियर, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। यहाँ स्लो एंड स्टेडी जो है वो क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है,
क्या है, कंपाउंड स्लो एंड स्टीडी जो है दोनों मिलकर के किसी एक ही सेंस को, एक ही सेंस को दे रहा है, दो मिलकर के देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सेंस दे रहा है सिंगुलर, इसलिए यहां पर क्या प्रयोग किया गया, मींस। ये जो है नोशनल एग्रीमेंट है दोस्तों, देखने में क्या लग रहा है आप देख सकते हैं, देखने में आपको लग रहा है कि प्लूरल है, दो बातों की, दो चीजों का यूज किया गया, एंड से लगा हुआ है, दो चीज है, देख रहे हैं स्लो एंड एसटीडी है, लेकिन सेंस क्या दे रहा है, ये एक का सेंस दे रहा है, इसलिए यहां पर वी फाइव का प्रयोग, मतलब दो दो नाउन अगर जुड़ा हुआ हो, दो वर्ड्स जुड़ा हुआ हो एंड से, और वो सेंस दे अगर सिंगुलर का, तो वहां पर क्या यूज होगा, सिंगुलर का। यहां पर देख रहे हैं दो नाउन जो है जुड़ा हुआ है एंड से, वो सेंस भी और फॉर्म भी, मतलब सेंस भी दे रहा है प्लूरल का और फॉर्म इसका रूप भी क्या है, प्लूरल का, दोनों दे रहा है, इसलिए यहां पर हम प्लूरल भाव का प्रयोग किए, लेकिन ये दो नाउन एंड से तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो सेंस जो है प्लूरल का नहीं दे रहा है, ये दोनों मिलकर के किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहां पर वी फाइव का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, सिंगुलर भाव का प्रयोग, क्योंकि ये देखने में ये नोशनल एग्रीमेंट है। यहां पर कभी भी हम राय से करीब होते हैं, दाल भाव, दाल अलग नहीं बोलते और भात अलग नहीं बोलते, दाल भात मतलब किसी एक चीज का बोध हो रहा है, कभी भी हिंदी में भी आप लिखते हैं तो दाल और भात ऐसे लिखते हैं, मतलब दाल के साथ ही भात है, मतलब ये एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, दाल और भात जो है एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये भी आप देख रहे हैं स्लो एंड स्टीडी कंपाउंड, ये अकेला नहीं आएगा, रायशंकर ये अकेला नहीं आएगा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, दाल भात जो है एक सिंगुलर सेंस दे रहा है, और ब्रेड एंड बटर जो है, रोटी मक्खन जो है एक सस्ता फूड है, रायसन करी जो है मेरा फेवरेट डिश है, और स्लो एनएसटीडी मींस द रेस जो है ये देख रहा है, स्लो एनएसटीडी कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, रायसन करी भी क्या दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, और ब्रेड एंड बटर भी सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द वर्ड्स, वी ट्राई टू फाइंड आउट द वर्ड्स, वी मस्ट नॉट फाइंड आउट टू द वर्ड्स, वी मस्ट फाइंड आउट टू व्हाट, वी मस्ट फाइंड आउट टू सेंस ऑफ द वर्ड्स, व्हाट विल बी द सेंस ऑफ द वर्ड्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू रीड, यू आर गोइंग टू स्पीक, यू मस्ट बी एबल टू पे अटेंशन ऑन द सेंस स्पिरिट ऑफ द वर्ड, व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द वर्ड हियर, राइस एंड करी जो है क्या कर रहा है, इस सेंस दे रहा है सिंगुलर, इसीलिए यहां पर इज का प्रयोग, सिंगुलर भार्म का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि सेंस के आधार पर, वाली वो देखने में प्लूरल फॉर्म लग रहा है कि एंड से जुड़ा हुआ है तो प्लूरल होना, अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि दो नाउन, राइस एंड करी क्या है, नाउन है, दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या दे रहा है, तो क्या यूज करेंगे, प्लूरल का, लेकिन यहां पर प्लूरल फॉर्म न करके इज का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे यहीं पर पहुंचते हैं, क्योंकि राइस एंड करी जो है वो एंड से तो जुड़े हुए हैं दो में, लेकिन सेंस जो है वो क्या दे रहे हैं, सिंगुलर सेंस दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टॉम एंड मैरी जो है एंड से जुड़े हुए हैं दो, और ये दोनों को देना जो है प्लूरल, देखने में प्लूरल लग रहे हैं और सेंस भी दे रहे हैं क्या, प्लूरल सेंस दे रहे हैं, लेकिन ये सभी जो है देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन सेंस जो है सिंगुलर दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था जिसको हमें आपको बताना था। आगे हम देखते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जिसका प्रयोग हम अलग अलग सेंटेंसेस के जगह पर करते हैं, समझ में आ गया होगा हम आशा करते हैं, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस। नाउ लेट मी अरेंज दिस, आई एम अरेंजिंग दिस गाइड, देखिए कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। देखिए अगर दो नाउन जो है और शब्द से जुड़ा हुआ है, देखिए और से जुड़ा हुआ है, विद से जुड़ा हुआ है, याद रखिए अगर दो नाउन और से जुड़ा हुआ, विद से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर हम बोलेंगे मोहन और सोहन, ऐसा रहे सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऐसा रहे तो क्या होगा, मोहन और सोहन हैज गॉन होगा, हैज गॉन होगा, याद रखिएगा यहां मोहन और सोहन इस दोनों में से किसी ये सिंगुलर सब्जेक्ट को दिखा रहा है, देखने में तो प्लूरल लग रहा है लेकिन ये सेंस क्या दे रहा है, ये सेंस दे रहा है आपका सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, याद रखिएगा ये कैसा सेंस दे रहा है दोस्तों, सिंगुलर सेंस दे रहा है, इसलिए यहां पर कौन सा वर्ब आया, तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया, हैज एक सिंगुलर वर्ब है दोस्तों।
सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहां मोहन मतलब दो नाउन अगर और से जुड़ा हो और कंजंक्शन से कनेक्टेड से जुड़ा हुआ हो तो वहां पर आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे अगर दो नाउन यहीं पर देखें, अगर हम लिखे मोहन विथ राधा, अब देखिए यहां पर क्या लगाएंगे, हैव गॉन या हैज गॉन, देखिए तो विथ से क्या हो रहा है, यहां पर भी ये क्या दे रहा है आपको, सिंगुलर सेंस दे रहा है, सिंगुलर सेंस दे रहा है, देखने में प्लुरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर सेंस दे रहा है, इसलिए यहां पर हैज लगेगा, मोहन विथ राधा हैज गॉन होगा दोस्तों। तो आप देख रहे हैं अगर कोई दो नाउन और से जुड़ा हो, ओ आर और से जुड़ा हो तो उसके आने वाला सब्जेक्ट वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, क्योंकि मोहन और सोहन जो है क्या कर रहा है, देखने में तो लग रहा है प्लुरल लेकिन सेंस दे रहा है आपका सिंगुलर, मोहन विथ राधा ये देखने में प्लुरल लग रहा है लेकिन सेंस दे रहा है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, ये है जो आप देख रहे हैं ये क्या है सिंगुलर वर्ब है, हैव जो है प्लुरल वर्ब है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि तीनों पर्सन एक साथ आ जाता है, हम जानते हैं पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये तीन पर्सन होते हैं। अब ये समझना है फर्स्ट पर्सन क्या है, स्पीकर को बोलते हैं, तो स्पीकर क्या है आई है, इसका प्लूरल क्या होता है वी होता है, आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है क्योंकि इसका ये सिंगुलर है और ये इसका ये क्या है प्लूरल है, ये क्या हो गया आपका ये सिंगुलर हो गया, आई सिंगुलर हो गया और वी क्या हो गया प्लूरल, सेकेंड पर्सन हो गया आपका सिर्फ यू है, और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा ही सी इट और वन नेम, किसी भी वस्तु को के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब स्पीकर जो बोल रहा है, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन है और आप सुन रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन है ना, और आई का जो है प्लूरल होगा वी और यू का भी प्लूरल क्या होगा यू ही होगा, ही सी इट और वन नेम का प्लूरल क्या हो जाएगा दी हो जाएगा, इसका प्लूरल अगर हम देखें तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है दोस्तों दी हो जाता है ना। याद रखें दोस्तों अगर ये तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दिमाग में इन बातों को ठूस डाले कि फर्स्ट पर्सन आई, आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू इज द सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन क्या है ही सी इट वन नेम और प्लूरल, ही सी इट और वन नेम का जो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन वो दे होता है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं कि तीनों पर्सन का इस्तेमाल हम कहां पर करेंगे उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये तीन पर्सन यहां पर जैसे हमने बता दिया, तीनों पर्सन अगर एक साथ किसी सेंटेंस में आ जाए, यहां पर अगर आ जाए आई ही एंड यू, बताइए ये सही है या गलत है दोस्तों, ये गलत है, आई ही एंड यू गलत है, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया और ये सेकेंड हो गया, ये रूल नहीं है। जब भी हम इसका क्रम देखते हैं ऑर्डर ऑफ द, हमने बताया था ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, क्योंकि हम सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स देखते हैं और एग्रीमेंट ऑफ द वर्ड्स देखते हैं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कहते हैं कि शब्दों का ऑर्डर देखा जाता है किस जगह पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहां पर देख रहे हैं ये कंपाउंड सब्जेक्ट है आई ही एंड यू, तीनों पर्सन है फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन है ये आई, ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है और यू जो है आपका क्या है सेकेंड पर्सन, तीनों पर्सन जब एक साथ आए तो अपने दिमाग में ठूस डालिए कि हम दो तीन एक रूल का यूज करेंगे, 231 रूल दोस्तों, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर तीनों पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए तो 231 का रूल का पालन करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहां पर 231, तो जब इसको सजाएंगे क्या होगा, सेकेंड पर्सन पहले आएगा यू ही एंड आई। अब प्रश्न है कि किसके अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होगा, आने वाला जो वर्ब होगा सिंगुलर होगा या प्लूरल, ऑफकोर्स प्लूरल होगा क्योंकि यू के अनुसार वर्ब होगा, यहां पर क्या हो जाएगा वो होगा, यू के अनुसार यहां पर जो है वर्ब का प्रयोग, और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूएन का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा अगर तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों पर्सन एक सेंटेंस में आ जाए तो पहले सेकेंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर जो आई ही एंड यू जो है गलत है, इसका यू ही एंड आई वो हो जाएगा, ये जो है सेंटेंस सही होगा। तो ये 231 का रूल हो गया। एक रूल है 23 का रूल, जब भी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आ जाए, जैसे ही एंड यू आ जाए तो ये गलत है, इसका हो जाएगा यू एंड ही, ये होगा
यू एंड ही, इसमें भी गो लगेगा दोस्तों। ये भी जो है भाग किसके अनुसार होगा, यू के अनुसार होगा। मतलब दूसरा 31 का रूल, 23 का रूल, 23 का रूल याद रखना, ही एंड यू कभी नहीं होगा। सेकेंड पर्सन पहले आएगा और तब जो है क्या आएगा, थर्ड पर्सन, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है और यू जो है सेकेंड पर्सन है। अब एक रूल और आता है दोस्तों, वो है 31 का रूल। ये जो 31 का रूल है उसको गौर से देखिए। 31 का रूल कहने का मतलब है कि कभी भी जैसे हम अगर हम बना देते हैं आई एंड ही लिखते हैं, तो ये क्रम गलत है, ऑर्डर गलत है। इसका सही ऑर्डर होगा ही एंड आई होगा, ही एंड आई होगा दोस्तों, ये आएगा ही एंड आई गो। वैसे भी प्लुरल हो जाता है क्योंकि थर्ड पर्सन ये हो गया और फर्स्ट पर्सन। 31 का रूल याद रखें, कभी भी आपको याद रखना है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, किसी सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक साथ आ जाए तो पहले हम ही लगाएंगे थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। अगर आपको 23 का रूल आ जाए, अगर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन किसी सेंटेंस में आ जाए तो पहले हम यू लगाएंगे सेकंड पर्सन, उसके बाद हम थर्ड पर्सन ही का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर अगले एपिसोड में एक और एपिसोड लेकर के आएंगे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। कैसा रहा ये वीडियो, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मेरा इंतजार रहेगा। आप जरूर कमेंट करें कि इस वीडियो में क्या जो है कमी है, उस कमी को हम सुधार करेंगे। आई वेलकम यू गाइज इफ यू कमेंट दैट हाउ इज दिस वीडियो एंड गिव मी फीडबैक, आई विल इंप्रूव माय वीडियो। Why you do not watch my complete video? Please share and like, subscribe and comment. ज़्यादा से ज़्यादा share करें, मैं प्रयास कर रहा हूँ। I have been trying to make this video perfect. But आप लोगों का suggestion जो है उसका warmly welcome है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले episode में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।